आपको वास्तव में कुछ ऐसा ही लगने लगेगा जैसा कि है। देखिए प्रॉपर तरीके से हो रहा है, देख लीजिए आप। अब इस घास को हम ऊपर लेकर आ जाएंगे तो एनिमेशन जैसे हम बनानी चाहते थे वैसी आ जाएगी। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप के अंदर देखा वही कार्टून को आज क्रिएट करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गमलेश यादव, स्वागत करता हूं अपने आपके बेस्ट अर्निंग टिप्स यूट्यूब चैनल में। यदि आपको मोरल कार्टून, हॉरर कार्टून, बर्ड्स कार्टून, मोटू पतलू वीर जैसी कार्टून मोबाइल से फ्री के अंदर सीखनी है तो मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, जिससे कि आने वाले ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो जैसा कि आपने वीडियो क्लिप के अंदर देखा है कि बिगिनर टू एडवांस ट्यूटोरियल आज हमको प्रोवाइड कराने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से बिगिनर जो भी बिगिनर से ट्यूटोरियल एडवांस तक आज एनिमेशन लेके जाने वाले हैं। पार्ट बाय पार्ट एनिमेशन बनेगी, कोई भी ऐसी ट्यूटोरियल नहीं बनेगा, मतलब बिगिनर टू एडवांस बनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया आपको क्रोमा टून को ओपन करना है। तो क्रोमा टून में दो चार चीज़ें बताएंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगें। तो लेट्स स्टार्ट करने, इस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पर आपको 4 कैरेक्टर्स दिखेंगे। देखिए यहाँ पर नॉर्मल एनिमेशन तो यह सभी हैं, लेकिन यहाँ से बनती है आई की वाले ऑप्शन पे से बनती है एडवांस एनिमेशन। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपको छाता लेकर जाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। छाता लेकर बंदा कैसे जाकर जादुई छाता वाली एनिमेशन कैसे बनाएंगे वो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जादुई छाता वाली एनिमेशन में अपलोड कर दी है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से किसी को अपने हैंड पर रखना है, हाथ पर रखना है, तो वो भी हमने अपनी एनिमेशन डाल दी है। मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को आपको इसके कंधे पर रखनी है तो वो भी हमने एनिमेशन डाल दी है। अब यहाँ पर यहाँ से की सहायता से आप कोई भी एनिमेशन को डाल सकते हैं अपने बहुत ही आसानी से। तो यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कार में बैठने की एनिमेशन डालनी है या फिर बैल पर बैठने की एनिमेशन डाल लिए, जैसे कोई मतलब बैलगाड़ी है उस पर कैसे बैठेंगे तो बैलगाड़ी पर बिठाने के लिए सबसे पहले आपको इस एनिमेशन को की करना होगा, इस ऐसे कुछ और ऐसे, ठीक है ऐसे, और इस पैरों को कुछ नीचे की ओर लाना होगा ना कि ऊंचे की, ऐसे कुछ कर लेंगे। हाथों को ऐसे कर देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह बंदा बिल्कुल कहीं पर भी बिठा दीजिए आप तो वास्तव में ऐसा ही लगेगा हाँ ये बैठा है, ठीक है। इस तरीके से आप कर देंगे तो ऐसे, और देखिए ऐसे, जैसे आप इसे मैनेज कर सकें वैसी आपकी मर्जी है, तो वैसा जैसा आप चाहें वैसा इसे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी एनिमेशन इसके अंदर डालें वो आप इजीली डाल सकते हैं। और यहाँ पर की सहायता से यदि कोई भी एनिमेशन डालने के बाद आपको रन कराना है, बंदे को रन कैसे कराएंगे वो समझिए। सबसे पहला हम इन कैरेक्टर को अंदर कर देते हैं, एक कैरेक्टर को ही रखेंगे तो बाकी कैरेक्टर को हम क्या करेंगे इसके अंदर कर देते हैं। चलिए इसको भी अंदर कर दिया, इनको भी अंदर कर दिया। अब 2 कैरेक्टर बचे हैं, इनको हम एनिमेशन डाल देंगे। इसको अंदर यहाँ कर देते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर एनिमेशन डालेंगे। तो एनिमेशन डालने के लिए, रन कराने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक पैर को पीछे की ओर लेना है और इस पैर के लिए हल्का सा आगे की ओर लेना है और की प्रेस कर देनी है। अब पीछे वाले पैर को आगे की ओर लेना है और इस पैर को पीछे की ओर, ध्यान रहे कि हाँ प्रॉपर तरीके से एडजस्टिंग होनी चाहिए। सेकंड, फिर से प्रोसेस लगातार आपको लगातार करते जाना है और पैर को जैसे हम चलते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर सेट करते जाना है। देखिए इस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे ऐसे, और आप देखेंगे तो आपकी एनिमेशन प्रॉपर तरीके से काम करेगी और आपका जो बंदा है प्रॉपर तरीके से चलना भी शुरू कर देगा। जैसे ऐसे कुछ, देखिए ऐसे। अब यहाँ पर आप इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो आपकी एनिमेशन लगातार आपका जो बंदा है देखिए प्रॉपर तरीके से चलना शुरू कर रहा होगा। देखें चला है ना, चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसमें रणबीर वाली एनिमेशन डाल सकते हैं। और यहाँ पर इसके मान लीजिए कि इसके ऊपर डलिया रखनी है, कोई भी चीज़ रखनी है, तो इस तरीके से आप एनिमेशन डालेंगे और यहाँ पर कोई भी वस्तु को यहाँ पर रख देंगे और रखने के बाद आप इस एनिमेशन को प्ले कर देंगे तो आपका जो बंदा है चलना शुरू कर देगा और आराम से आप इसे लेकर भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस एनिमेशन को भी डाल सकते हैं। आज किसी में एडवांस एनिमेशन होने वाली, इसीलिए हमने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आप कान मास्टर पे चलते हैं और वहाँ जाकर आपको समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको गाड़ी के अंदर किसी बंदे को बिठा के ले जाना है और बैल के अंदर बिठाना है और आपको क्रोमा की का यूज़ करना है। सब ये काम कैसे करेंगे, कान मास्टर को ओपन करेंगे। कायन मास्टर को ओपन करने के बाद आपके सामने जो भी ऐड हैं उनके शो होंगे। तो चलिए इसे स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया है एंड इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर कार का एनिमेशन, ट्रैक्टर का एनिमेशन किस तरीके से बनाना है तो वो हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लेयर को इंपोर्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पर इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया, वो बैकग्राउंड कुछ बढ़िया नहीं लग रहा था और यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन करैक्टर को इंपोर्ट कर लिया जो हमने यहाँ पर बनाया। पिछली वीडियो में आपको बता दिया है सब कुछ। तो यहाँ पर एडवांस एनिमेशन कुछ ऐसे इस तरीके से बताई जाएगी। उनके तो ट्यूटोरियल बना दी कि कैसे यह काम करना है, लेकिन इनको जोड़कर कैसे काम करना है वही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसे जो आपने लेयर ऐड करी है उसको आपको क्रॉपिंग करना है। आप इसे क्रोमा टून से आसानी से बना सकते हैं, नहीं बनाए तो आप हमारी वीडियो को जाकर विजिट करके देख सकते हैं। अब भैया भाई साहब आपको क्रोमा की करना है। अब क्रोमा की करने के बाद आपको इस करैक्टर को यहाँ पर रख लेना है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, पैनल जूम वाले ऑप्शन पर जाकर के आपको एनिमेशन डालनी शुरू करनी है। जैसे कि यहाँ पर एनिमेशन कुछ इस तरीके से डाल देंगे आप ऐसे। अब आप इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो आप एनिमेशन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। चलिए देखिए। तो आपको वास्तव में लग रहा होगा कि हाँ एकदम बिंदास तरीके से मूवमेंट हो रहा है, हमारा करके आगे पीछे हो रहा है। तो आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप ऊपर नीचे इस तरीके से इसे मैनेज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको कहाँ पर रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पर रखना है कुछ ऐसे, और मान लीजिए कि हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब आप इसे प्ले करके देखेंगे तो इस तरीके का रिजल्ट आपके सामने आएगा। ध्यान रखिए आपको इक्वल बटन पर क्लिक नहीं करना है। ध्यान रखिए आपको इक्वल बटन पर क्लिक नहीं करना है। अब आप अपने कैरेक्टर को क्रोम की सहायता से आगे पीछे लेकर जाएंगे तो आपका एनिमेशन देखना। की सहायता पर क्लिक करेंगे, एक की आपको हल्की सी की आगे बढ़ानी है और इंटर कर देनी है। लास्ट की आपको अंत में दे देनी है, बस कुछ नहीं करना। आपको इसे कैरेक्टर को लेके आना है और ध्यान है कि आपका कैरेक्टर दिखना चाहिए कि कहाँ पर हमारा कैरेक्टर कैसे पहुँचा है। तो काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी एनिमेशन भी बेहतर आएगी। ध्यान रखिए कि आपका जो बैकग्राउंड है हमारे बैकग्राउंड की भांति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड की जो क्वालिटी कुंची तरीके से है, कुछ अलग तरीके से हमारा यहाँ पर कैरेक्टर चलना चाहिए, तभी हमारी बेहतर क्वालिटी यहाँ पर बन पाएगी। तो आप इस एनिमेशन को देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा कैरेक्टर यहाँ पर बातें एकदम बिंदास तरीके से काम करता हुआ आ रहा है, देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर इसी तरीके की दूसरी एनिमेशन डाली तो यहाँ से हम ट्रिम कर देंगे इस बैकग्राउंड को इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल एनिमेशन डालनी है। तो नॉर्मल एनिमेशन डालने के लिए आपको यहाँ पर की प्रेस कर देनी है एंड डुप्लीकेट करना है इस लेयर को, और इसी लेयर को उठा लेना है यहाँ से ऐसे यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको करने के बाद यहाँ से जो आपने की है एक क्रोमा इस पर जाना है, उससे नॉर्मल पोजीशन में लेके आ जाना। नॉर्मल जो कि हमारी नॉर्मल पोजीशन थी उसमें लेके आ जाना है और आपको इक्वल बटन पर क्लिक कर देना। इसमें भी नॉर्मल पोजीशन में लेके आ जाना है, बिल्कुल जो कि हमारी नॉर्मल पोजीशन थी उसमें लाने के बाद आपको इक्वल बटन पर क्लिक कर देना। तो हमारे दोनों कैरेक्टर से इक्वल बटन में आ जाएंगे। अब आप हमारे कैरेक्टर का मूवमेंट देखना किस तरीके से हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जा रहा है, कोई भी इशू हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ आसानी से हो रहा है। अब आप इसे रोटेशन देना चाहते हैं कि रोटेशन भाई दूसरी तरफ से ये चलना चाहिए, तो आप इस तरीके से जाएंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एक मिरर वाला ऑप्शन मिलता है, ये इसको आप क्लिक कर देंगे तो आसानी से हो जाए। लेकिन जस्ट अभी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर जो की है उसका यूज कर लिया। यदि की का यूज करने के बाद किसी भी कैरेक्टर को मूवमेंट देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हो, उसके बाद ये नहीं हो पाएगा। पहले से ही आपको उसकी छेड़छाड़ करनी है, बाद में इसकी छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते कि एनिमेशन एनिमेटेड बैकग्राउंड किस तरीके से बनाया जाए तो वो भी हमने सिखा दिया है। अब आपने इतना सीख लिया, ठीक है, इतना आपने सीख लिया। अब यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे, इस वीडियो को आप एक्सप्लोर कर लीजिए और इतना आप पार्ट बना लीजिए। अब दूसरी एनिमेशन कैसे सीखेंगे चलिए समझते हैं। सो फ्रेंड्स अब आपको और एक एडवांस एनिमेशन सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए आप सबसे पहले आप इस एनिमेशन को देख लीजिए। यहाँ पर ये पेड़ हिल रहा है। अब इसको पेड़ को हमने कैसे हिलाया है, हमने ये मत कहना कि आपने यूट्यूब से डाउनलोड किया है, नहीं भैया, आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी कि कार्टून एनिमेशन बैकग्राउंड कैसे बनाएं, एनिमेटेड बैकग्राउंड कैसे बनाएं, तो उसी में इसको हमने बनाना सिखाया आपको, तो उससे आप सीख लीजिए। लेकिन आपको इससे एडवांस एनिमेशन कैसे डाली, सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम करेंगे, निकाल देंगे। यह मत कहना कि बार बार यही बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखो, इस वीडियो के, भाई सब वीडियो आपको फ़ायदा के लिए बनाई हमने, अपने लिए तो बाद में, खैर आपके फ़ायदे के लिए हैं सब वीडियो, समझ रहे होंगे आप सब कि वीडियो फ़ायदा के लिए बनाई जाती है। तो इतना आप कर देंगे, आपको क्रोमा के पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा एंड आपको इसका साथ जो भी आप जितना रखना चाहें उतना रखेंगे। एंड यहाँ पर हमने एक और एडवांस एनिमेशन करने के लिए इस जो ग्रास PNG है इसको हमने ले लिया। आप इसे गूगल से या फिर इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से इजीली डाउनलोड कर लेंगे। हाँ दोस्तों, बढ़िया कुछ इसी तरीके की मिलेगी तो आपको बेहतर रहेगा, काफ़ी बढ़िया लगती है। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे कर देना है, ऐसे करने के बाद इस पेड़ को उठाना और यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना जिससे कि घास के दूसरी साइड में चली जाए। अब इस पेड़ का आकार आपको बड़ा करना है क्योंकि आप तो जानते ही कि भैया पेड़ का आकार तो बड़ा ही होगा, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ ऐसे करना है। अब इस बैक चले जाना है पूरा और इस पेड़ पर क्लिक करके पेड़ को भी अंदर पूरा सटा देना है। ध्यान रहे कि पेड़ अंदर जाने के बाद ही एनिमेशन की सहायता लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हल्की सी की प्रेस करेंगे, बहुत कम लेकर आएंगे बाहर और यहाँ की प्रेस कर देंगे, बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर चले जाएंगे। हम बताते हैं कि लास्ट पोजीशन पर चले जाओ यार, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। यहाँ पर धीरे धीरे की सहायता, कितनी भी बार हाथ को छोड़ो, कुछ भी करो, बस की को प्रेस मत करो और ना ही आपको यह हिलाना है। जहाँ पर आपने यह मतलब डाटा पहुँचा दी यहाँ इसे टाइमलाइन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, चाहे आप जितनी भी बार हाथ को हिलाओ, कुछ भी करो। ध्यान रहे कि बिल्कुल आपका जो करेक्टर्स है, जो भी आपका इमेज है, जो भी आपकी चीज़ है वो सीधी चलनी चाहिए, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब आप इस एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे तो आपकी एडवांस एनिमेशन बनकर तैयार हो चुकी होगी। चलिए देखिए, देख लिया आपने कि किस तरीके से हमारी एडवांस एनिमेशन बन रही है। लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा कि यह तो सेंड टू बैक हुआ नहीं, यह तो सेंड टू बैक हुआ नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, यह जो एनिमेशन है हमारी, यह जो एनिमेशन है यह पहले आपको मैंने बना के दिखा दी थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को डिलीट करने के लिए हमें इस घास को बाद में ऐड करेंगे तो आसानी से हम इसे इस चीज़ को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब आपने इतना समझा और इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस एनिमेशन इस वीडियो के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें वो समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड को मूवमेंट देना, इधर से उधर करना, करैक्टर के साथ साथ बैकग्राउंड को चलाना, करैक्टर के साथ पेड़ को चलाना और नीचे घास लगाकर करैक्टर को मतलब बैकग्राउंड को एक प्रोफेशनल मोड देना। सबसे पहले आप यह भी समझ लेते हैं कि करैक्टर को मतलब सॉरी बैकग्राउंड को HD क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी कान मास्टर के अंदर। यहाँ पर जाना है आपको एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर, कॉन्ट्रास्ट C को बढ़ा देना, आपको बैकग्राउंड एकदम HD क्वालिटी की भांति व्यवहार करने लगेगा। देखिए ज़्यादा नहीं करना, इतना ऐसा था, मान लीजिए ऐसा था ये, अब आपने ऐसा किया तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप अपने करैक्टर की भी, आप अपने पेड़ की भी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सॉरी देखिए, जो भी चीज़ की आप यहाँ पर क्वालिटी चेंज करना चाहें सभी की कर सकते हैं भाई, इसमें कोई इशू हमें नहीं होता है। पेड़ की भी क्वालिटी को आप जितनी मर्जी उतनी कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बढ़ा सकते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर कितना चमचमाता हुआ हमारा पेड़ लग रहा है, देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर सेंड टू बैक पेड़ को सेंड टू बैक की बजाय यहाँ पर ऊपर कर दें तो वास्तव में कुछ ऐसा ही लगने लगेगा जैसा कि है। देखिए प्रॉपर तरीके से हो रहा है, देख लीजिए आप। अब इस घास को हम ऊपर लेकर आ जाएंगे तो एनिमेशन जैसे हम बनानी चाहते थे वैसी आ जाएगी। पेड़ अंदर चला गया, घास सबसे ऊपर आ गई। अब एनिमेशन को देख लीजिए आप प्ले करके, देखो क्या बढ़िया एनिमेशन हमारी बनकर तैयार हुई है, कोई इशू हमें नहीं आया है। यहाँ पर बैकग्राउंड की भी मूवमेंट को हम पहले की तरह डाल देंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। इस तरीके से कुछ करेंगे और ऐसे यहाँ पर बैकग्राउंड की मूवमेंट को भी डाल देंगे ऐसे। अब हमारा ये बैकग्राउंड भी मूवमेंट होने लगेगा। देखिए प्ले करते हैं, अब देखना वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग बना है या फिर इंटरेस्ट है या पर नहीं है, या फिर वीडियो अच्छी लगी है या पर नहीं लगी है। तो सभी भाई कमेंट करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जिससे कि आने वाले ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आज की इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में कवर करी हैं, छोटी सी वीडियो में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं बेस्ट अर्निंग, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।